हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एकदम हलवाई स्टाइल लौंग लतिका बनाने की रेसिपी। बहुत ही क्रिस्पी, जूसी और एकदम माउथ मेल्टेड है। बिल्कुल भी बाजार से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं एकदम घर का बना हुआ एकदम फ्रेश खोआ है ये। और कुछ यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स हमने लिया है, ये है छोटी इलायची का पाउडर है ये, और काजू, ये कुछ लौंग है, किशमिश है और बादाम है। आप अपने पसंद के अनुसार और भी ड्राई फ्रूट्स आप डाल सकते हैं। तो जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं हम ही खोआ में मिला देते हैं। अब इसको अच्छे से मैश कर रहे हैं। और ये रेसिपी मेरी मदर इन लॉ बना रही है, जो कि उनके हाथ से बना हुआ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी होता है। और आप इस तरह से जरूर ट्राई करिए, देखिए आप बाजार का खाना जरूर भूल जाएंगे। इसको स्पून की हेल्प से या आप अपने हाथ से भी इसको अच्छे से मैश करते रहिए। तो देखिए स्टफिंग बनकर बिल्कुल तैयार है। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हमने मैदा पहले से सान कर रखा हुआ, थोड़ा सा सिर्फ इसमें हमने मोइन और पानी से नॉर्मल इसे सान के रखा है। तो चलिए आगे का प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक मैंने छोटा ग्लास भरकर मैंने पानी लिया और इसमें हम चाशनी तैयार करेंगे। तो जितना हम पानी लेंगे उतना ही हम चीनी लेंगे और इसके एक तार की हम चाशनी बनाएंगे। तो एक ग्लास मैंने पानी ले लिया है, उतना ही हम चीनी ऐड कर रहे हैं इसमें। इसको थोड़ी थोड़ी देर पर हम हिलाते रहेंगे। अब एक रोलिंग बोर्ड में हम छोटा सा, हमने देखिए बहुत ही पतला इसको बेलना है। स्टफिंग लेकर थोड़ा सा बीच सेंटर में हमें रखना है। और देखिए इसको फोल्ड करने का तरीका, देखिए ये बन गया ना कितना सुंदर लौंग लतिका। इसी तरह हम और भी बना लेते हैं। इसी तरह से हम अपने सारे लौंग लतिका को तैयार करके रख लेते हैं पहले से। चलिए अब इसको हम फ्राई करना आपको दिखाते हैं। और इधर हम देख लेते हैं हमारी चाशनी भी बनकर बिल्कुल तैयार है। इसको हमें छूकर देखना है, अगर ये हाथ से चिपकता है तो एक तार की चाशनी बनकर बिल्कुल रेडी है। घी हमने पहले से गर्म करके रखा है। अब आइए एक एक लौंग लतिका को हम फ्राई करते हैं। इसको मीडियम फ्लेम पर एकदम क्रिस्प और गोल्डन कलर होने तक हमें इसे सेकना है, फ्राई कर। अब इसको देखिए पलट लेते हैं। अब ये दोनों तरफ से अच्छे से ये सिक चुका है, फ्राई हो चुका है। आइए अब इसको हम निकाल लेते हैं। इसको निकाल कर डायरेक्ट हम चाशनी में डाल देंगे। और एक स्पून की हेल्प से हम चाशनी को एकदम ऊपर तक दे देंगे, जिससे कि जो चाशनी है अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। मेरा रखते हुए करीब 45 मिनट हो चुके हैं। आइए अब हम इसको सर्व करते हैं। तो गाइस देखिए लौंग लतिका बनकर बिल्कुल तैयार है, बहुत ही जूसी क्रिस्पी। तो आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।